हमीरपुर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराकर उन्हें मान्यता की श्रेणी में लाने की सरकार की मंशा के चलते कस्बे के 3 मदरसों का सर्वे किया गया है, जिसमें 2 मदरसे बंद पाए गए, जबकि सर्वे में पात्र पाए जाने वाले मदरसों को उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता दी है, जिसके चलते सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, जिसकी आख्या अक्टूबर के पहले सप्ताह सरकार तक पहुंचने की आशा है। मंगलवार को अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हिमांशु अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों की कमेटी ने कस्बे के मदरसा हजरत अब्दुल कादिर जलानी का रह का सर्वे किया, जिसमें मदरसे का नाम, मदरसा संचालित करने वाली संस्था, मदरसे का स्थापना वर्ष, मदरसा निजी और किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है, वह वहीं छात्रों के लिए बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर, छात्रों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, मदरसे का पाठ्यक्रम, मदरसे की आय के साधन, साथ ही क्या मदरसा का छात्र अन्य संस्थाओं में भी अध्ययन कर रहे हैं सहित अन्य बिंदुओं की जांच की गई। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि सरकार की मंशा के चलते हम मदरसों का सर्वे कर रहे हैं और जनपद में पहले मदरसे का सर्वे किया है, जिसमें 97 बच्चे पढ़ते हैं, जो अधिकांश बाहर रहते हैं, बाहर से हैं, लेकिन इनके अध्यापक भी बाहर के हैं। मदरसा सन 2010 से चल रहा है, लेकिन कभी भी इनके द्वारा मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया गया। शासन के आदेशानुसार जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये जांच करने के लिए मैं आया हूँ। ये जनपद का पहला मदरसा है जिसमें मैंने जांच की है। मैं का साथ में मेरे साथ SDM मोहदा सर जो जांच करके निकल गया। किस तरह की जांच हो रही है, क्या जो कहीं से भी अफिलेटेड नहीं है, ना तो कहीं भी वोट समानता प्राप्त है, ना CBSE से है या फिर मदरसा शिक्षा परिषद से, कहीं से भी मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे मदरसों की जांच थी। सर आज इस मदरसे में क्या पाया गया? मैंने पाया कि यहाँ पर 97 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कुछ बच्चे लखनऊ बहराइच के बाहर के भी हैं, एक टीचर ही बाहर के हैं, और ये मदरसा 2010 से संचालित है।